हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग यारो। कल मैं यहाँ खाटू श्याम टेम्पल पहुँच गया था, जो कि रात को मैं 12:30 बजे दर्शन का नंबर आया, जो कि भीड़ इतनी थी कि मतलब पूरा 4 किलोमीटर रोड को डिवाइड किया हुआ था ड्राइवर जन, जो कि ट्रैफिक ना हो, फोर व्हील के या टू व्हील के लिए नहीं, लेकिन पैदल यात्री के लिए ही। ये खाटू जो गांव है, पूरे खाटे गांव में से मतलब जिगजैग पोजीशन में वो रास्ता बना हुआ था, ताकि डायरेक्ट मंदिर जाने का रास्ता जो है वो ब्लॉक था, वो वहां से जा नहीं सकते थे। तो ये ट्रस्ट ने जिगजैग पोजीशन में वहां तक का रास्ता जो है वो अलग से बनाया, ताकि एक जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो। और अभी श्रद्धालु आना इतने शुरू हो गए कि जैसे हमारे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन ये जूनागढ़ में जैसे मेला लगता है नागा बाबा साधु का, और कितनी भीड़ आपको देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे भी ये श्रद्धालुओं की भीड़ दिन में तो उतनी नहीं होती। अभी मैं आपको ये रोड दिखा रहा हूँ, इस रोड पे ये आप जो रोड ये देख रहे हैं, इस रोड पे रात को कहीं चलने की जगह नहीं थी, इतने श्रद्धालु पैदल चल के आ रहे थे। अभी भी आ ही रहे, लेकिन धूप की वजह से जो जगह जगह पे यहाँ पे हर एक 100 मीटर 200 मीटर पे एक एक छावनी है, जहाँ पे आप स्टे ले सकते हो, खाना खा सकते हो और आराम भी कर सकते हो। तो ऐसे 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर पे अलग अलग रुकने के लिए छावनी बनी हुई है। और जो कि लोग अभी दिन में तो क्या इतने जाते नहीं, लेकिन रात को पूरी नाइट इस रास्ते पे पैर रखने की जगह नहीं थी। मतलब कि आप वो जो भैया एक वीडियो में जो बता रहे थे कल का या परसों का, कि आपको लोकल ट्रेन, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में जैसे आपको चढ़ना नहीं पड़ता और उतरना नहीं पड़ता, वैसे ही लोग चढ़ा देंगे और उतार देंगे, वैसी स्थिति यहाँ पे थी। वो जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था उसका, वो मैंने रात को देखा, क्योंकि वीडियो तो मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, मैं वो बता नहीं सक सका ना, वो मैं शूट कर पाया। क्योंकि रात को मैं टेंपल पे गया था, जहाँ तक वीडियो शूट करने की परमिशन थी वहाँ तक मैंने किया, उसके आगे नहीं हुआ। और उसी टाइम मेरे मेरा फ़ोन भी डेड हो गया, बैटरी लो थी तो वो फ़ोन भी बंद हो गया, क्योंकि उस दिन मैं वो पूरी नाइट और पूरा डे, और फिर मैंने जो ये होटल रखा था वो खाटू श्याम मंदिर से 5 किलोमीटर फिर आगे, जैसे कि मैं रात को यहाँ से गया था, मैंने ये होटल बुक कर लिया था। ये रुकने के लिए ये छावनी तो थी बहुत सही, सभी जगह पे वो आ रही थी, लेकिन मैं वहाँ रुक नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास 2 बैग है और बैग की सेफ्टी जरूरी है। बैग में ऐसा कुछ है तो नहीं कुछ खास, मतलब कि कीमती सामान तो कोई कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है वो मेरे लिए कीमती ही है, जो भी मेरे बैग में अब तक है वो सब मेरे लिए कीमती ही है। तो क्या है कि रास्ते में 2-3 फैमिली ऐसी मिली कि जो मतलब कि उनका बैग चोरी हो गया, पैसों का पर्स चोरी हो गया, और वो सही में उन लोगों का हो गया था, क्योंकि जो अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो पूरी फैमिली तो ऐसे झूठ नहीं बोलेगी। फिर यहाँ के जो ये छावनी वाले जो ट्रस्ट चला रहे हैं, जो ये छावनी चला रहे हैं, मतलब कि सेवा, और ये लोग सेवा हजारों में या लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में ये लोग सेवा करते हैं। ये पूरा महीना खाना, और खाना भी ऐसा नहीं कि कोई चलो कुछ भी आया बना के दे दिया, प्योर देसी घी में जो कुछ भी यहाँ पे, जलेबी है, कचौरी है, या फिर मतलब घी से बनती हुई जो भी आइटम है वो प्योर देसी घी में ये लोग बना रहे हैं, मैंने देखा ये। तो उन लोगों ने फिर उनकी हेल्प की और जाने की टिकटें करवाई, और कुछ पैसे भी उन लोगों को दिए, वो मैं वीडियो में शूट नहीं कर सकता था, मतलब किसी नहीं लगता मुझे। तो मेरे को भी थोड़ा ये था कि यार इससे बेटर है कि कहीं अगर रूम मिले, तो कहीं रूम भी नहीं मिल रहा था। और जो मेरे साथ कल का जो मेरे साथ ग्रुप था, उनमें से एक दो लड़के आगे पहुंच गए थे, तो उन लोगों ने भी खा ये टेम्पल में वहाँ पे पहुँच के
ट्रस्ट में और ये धर्मशाला में सब जगह पे देखा, लेकिन कहीं पे कुछ खाली नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ है तो स्वाभाविक है कोई कहीं भी आपको होटल में या तो फिर आश्रम में धर्मशाला में कहीं जगह नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी तो आप क्या है कि किसी के साथ सोना पड़ेगा, ओपन एरिया में सोना, ओपन मतलब कि होल होता है उसमें सोना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे बैग तो ऐसे ही रहते तो मैं वहां सो नहीं सकता था। फिर एक ये होटल रास्ते में आई, मैंने पूछा कि तो उनको ये मेरे तिरंगा और भगवा देख के वो समझ गए कि मैं यात्रा पे हूँ और मैं स्पेशली खाटू श्याम मतलब कि ये मेले की वजह से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ खाटू श्याम दर्शन करने आया हूँ। और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो खाटू श्याम मंदिर पे दर्शन करने के लिए आते हैं, मतलब कि इन लोगों के पास ऐसा झंडा होता है, ये ध्वजा शिखर या इन ये इनको ये लोग निशान बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हो सबके पास है, किसी के पास नहीं है। तो ऐसा मेरे पास था, लेकिन वो जो मेरा ग्रुप साथ में था उनको मैंने दिया हुआ था, मैंने भी एक लिया था, सोचा ले ही ले। फिर क्या कि उन्होंने रेट तो यहाँ का ज़्यादा था, पहले ज़्यादा ही बताया था, मतलब कि उन्होंने कम कर दिया। फिर जो मेरे रेंज में रेट मेरे को परवड़ा, मतलब मेरे को सही लगा, इन लोगों ने मेरे से सिर्फ 600 रुपये लिए। और वो सब समझ गए, क्योंकि मेरी थकानी इतनी थी, क्योंकि मैं कम से कम 48 घंटे से ज़्यादा मैं चल चुका था, और इस होटल से टेम्पल 5 किलोमीटर और दूर था। तो फिर 5 किलोमीटर में टेम्पल पे दर्शन करने के लिए जाता, और फिर टेम्पल से यहाँ होटल तक 5 किलोमीटर चल के वापिस आना। तो वो भी समझ गए कि यार आदमी को परेशान नहीं होने देना चाहिए। फिर वो बोले हम आपको नहीं जाने देंगे, आप इधर ही रुक रुक जाओ, चलो आप कितना दोगे। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, 600 तो थोड़ा अगर आप कम कर सको तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप कोई बात नहीं, आप 500 रुपये दे दो, क्योंकि हम भी यहाँ पे क्या है कि होटल खुद हमारा नहीं है, हम भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मतलब कि वो मैनेजर थे। फिर रख लिया ये रूम, और अभी बस यहाँ से निकलने की मेरी तैयारी भी हो गई है, नहा धो के मैं फ्रेश हो गया। और अभी मैं शायद सोचूं कि अगर मेरी अभी मैंने कहाँ मैं रुकूंगा आगे, वो मैंने डाला नहीं है, मतलब देख लूंगा, या तो फिर इसी लाइन पे टेम्पल से होके जाऊंगा, या फिर रिंगस, रिंगस से अजीतगढ़। अजीतगढ़ का मेरा आज का प्लान है, लेकिन अजीतगढ़ यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है, तो अजीतगढ़ तो मैं आज के आज नहीं पहुँच पाऊँगा। जो आपके कल के वीडियो में देखी ये अनुराग, जो कि हमारे ग्रुप में था, वो जो मेरे साथ में चल रहा है, येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है उसने, तो उनके घर पे वो बोले कि आप मेरे घर पे रुकोगे, अजीतगढ़ में मेरा घर है, रोड पे ही है, मैं वहाँ आ जाऊँगा, आप जब भी वहाँ पहुँचो आप मेरे घर पे नाइट कर करके निकलोगे। तो उनके घर पे एक नाइट होगी, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों। और आगे का क्या है, और जो ये भीड़ भी मैं आप अगर आप मेरे को मिली तो मैं वो भी दिखाऊंगा, जो भी आपको बताने लायक होगा वो मैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये खाटू श्याम टेम्पल के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, और मतलब कि मेरे को भी एक सुकून मिला यहाँ पे आके, अगर नहीं आता तो शायद कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आया बहुत अच्छा लगा। वो भैया ने बताया था कि आप जाओ एक बार देखो, यार मेरे ऐसे बोलने से तो किसी को उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन दर्शन के लिए कोई आएगा तो जरूर पता चलेगा। दोस्तों अभी जस्ट बस ये नीचे कैंटीन में आके चाय पी रहा हूँ, कुल्हड़ चाय, इसको कुल्हड़ चाय बोलते हैं, जो कि ये मैंने खुद बनाई है यहाँ भी, क्योंकि ऐसा कलर जो है ना ब्लैक ये लोग बनाते नहीं आता है, इसलिए अभी मैं ही बना लेता हूँ अपनी चाय। और ये बिल्कुल ये खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है वहीं पे होटल है, ये होटल श्याम। दोस्तों मैंने अभी ये मेरे आगे की जर्नी जो है, मेरी आगे की यात्रा जो है मैंने स्टार्ट कर दी है, और अभी रिंगस में जा रहा हूँ, और रिंगस से अजीतगढ़,
और ये आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और ये भक्तों की भीड़ जो आप देख सकते हैं, जो खाटू श्याम महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चलो यारो, अभी आगे की यात्रा जो है वो आगे आगे आपको मैं बताता रहूँगा। और ये कुछ दोस्त मिल गए हैं जो कि रिंगस तक साथ में रहेंगे, या फिर यहीं भी पास में उसका घर है पता नहीं। और भाई ये भीड़ ऐसी की ऐसी ही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या नाम है आपका दीदी? रेनू। रेनुका जी, जी जी। और एक बात दोस्तों, ये जो हम टिंडर बोलते हैं, एक मैं आपको आज एक सवाल पूछता हूँ कि सोमनाथ मंदिर में वीर हमीर जी गोहिल के साथ जो लोग युद्ध कर रहे थे, उनमें एक फौज टिंडर की भी थी, ये किसी को मालूम नहीं है? अगर किसी को मालूम हो तो पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किन्नर की एक फौज और हमारे हमीर जी गोहिल, वीर हमीर जी गोहिल जो शहीद हुए सोमनाथ टेंपल की रक्षा में, उनके साथ एक फौज किन्नर की फौज भी शहीद हुई थी, जो कहीं इतिहास में लिखी नहीं है। लेकिन किसी किसी को पता है, किसी को पता नहीं है। तो जिसको पता है वो कमेंट करे कि आपको पता था ये बात, ये बात किसी किन्नर को भी नहीं पता है। मतलब कि किसी को पता है लेकिन किसी को नहीं मालूम नहीं है। शायद मेरी दीदी को भी ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आज इनको भी ये बात पता चली कि सोमनाथ टेंपल में जो लोग शहीद हुए उनकी रक्षा में, उनमें ये लोग भी थे, इनके लोग भी थे। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए लखदातार की जय, बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। बहुत सुंदर, जय जय श्री श्याम। चल लूं और यहाँ का माहौल आप देख सकते हो। अभी ये
भक्तों के लिए बनाया है।